जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता की विषय है कि आज अध्यात्म मीडिया वृंदावन का परिवार वास्तविक है कि आंखों में आंसू कभी कभी खुशी की भी आनी चाहिए। ये एक वृक्ष है, एक बट वृक्ष है, ये परिवार है और आप इस परिवार को देख रहे हैं। और इस परिवार ने आज संकल्प लिया है धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए सदैव हम आगे बढ़ेंगे। चैनल को लोगों का मोबाइल पकड़ के सब्सक्राइब करेंगे, लिंक को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुपों में, ताकि ये बोलेंगे कि ये चैनल हमारा है। और सभी आदरणीय हमारे सम्मानित सदस्यों से निवेदन करते हुए बस एक ही चीज़ कहूँगा मैं, धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, और धन वृंदावन रसिक हैं जो रटते श्यामा श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल बंसी वाले की जय, बोल राधा रानी की, बोल होरी के रसिया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। वंदे वाणी विनायकौ कृष्णम वंदे जगद्गुरुम अहम रामदत्त मिश्रः किशोरी रमण स्नातकोत्तर महाविद्यालय इदानीम अहम संस्कृत प्रोफेसर पदे अधिरूढ़ा अस्मि। भवतां समेषां समक्षे अद्य प्रसन्नताम अनुभूये अध्यात्म मीडिया वृंदावन इति नामनी अध्यात्म विषयम आश्रित्य ये अधिकारिणः वर्तन्ते, तेषां मनसि एषा व्यवस्था अस्ति कि अहम् इदानीं वृंदावने ब्रजभूमौ भारतवर्षे प्रदूषित भावना संयुक्त धर्मे ये प्रचारम कुर्वन्ति, प्रसारम कुर्वन्ति, सेवाम आश्रित्य धनम अर्जयन्ति, तेषां कृते एका सुव्यवस्था भवितव्या एव। अतः अध्यात्म मीडिया पक्षतः ब्रजभूमौ वृंदावने अद्य गुरुवासरे विशेषतः होली पर्व प्रचलति वृंदावने, बसंत पंचमी पक्षतः तिथेः आरभ्य पश्चात चत्वारिंशत् दिनं यावत् ब्रजभूमौ होली महोत्सव प्रचलति। शुभ अवसर अस्ति, अतः अहम् भावतः हृदयतः भूरि भूरि प्रशंसां कृत्वा कि यत् अध्यात्म मीडिया विशुद्ध भावनया धर्म प्रचारं प्रसारं करिष्यति, सा अवश्यमेव श्री बाके बिहारी प्रसादतः, श्री किशोरी प्रसादतः, ब्रजवासी संत महापुरुष कृपा प्रसादतः शीर्षत्वं स्थानं प्राप्स्यति इति मे शुभकामना अस्ति। अहमपि हृदयतः भावतः कथयामि, यदि समेषां मनसि भगवती प्रेम भगवती भावनया युक्तः मिलित्वा एव कार्यं करिष्यन्ति तर्हि निश्चितमेव अस्मत् कृते सनातन धर्मिणः ये व्यवस्था अस्ति तेषां विलक्षणा विचक्षणा विद्वांसः मनीषिणः कृते
निश्चितमेव भावनाभासिता भासितो भूत्वा पारं यास्यामः इति मे विश्वासः अस्ति। जयतु भारतं, जयतु ब्रजभूमिः, जयतु वृंदावनम्, जय जय श्री राधे। वंदे नंदकुरुश्रुतं कृष्णं, वंदे श्री विश्वानुजां, वृंदावनम गोवर्धनम, वंदे व्रज वसुंधराम। अध्यात्म मीडिया ग्रुप, इसको साधुवाद और इसका आभार, ये प्रशस्ति पत्र हम लोगों को देने के लिए, और विशेषतः कन्हैया पांडे जी को और सभी बोर्ड मेंबरों का हृदय से होली मिलन की राधे राधे। और इस अध्यात्म मीडिया के परिश्रम को देखते हुए हम जो हैं, सनातन संस्कृति जो हमारी है, अध्यात्म के बिना कुछ है ही नहीं। अगर हम हिंदू कहलाने के अधिकारी हैं तो सनातन कहलाने के अधिकारी हैं। तो अगर अध्यात्म से हम च्युत होते हैं, अलग होते हैं, तो हम हैं ही नहीं। अध्यात्म कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे हम प्रदर्शन करें, लोग पूछते हैं हम कैसे। अरे सबसे पहले तो आप तिलक लगा सकते हैं। शिखा हिंदू मात्र को रखने का अधिकार है, सनातनी को रखने का अधिकार है, हर और ब्राह्मण को तो विशेष, पर शिखाहीन हो रहे हैं हम, यज्ञोपवीतहीन हो रहे हैं। क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण सभी के लिए है। उसके बाद सिंदूर से हीन हो रही हैं हमारी माताएं बहनें। तो अध्यात्म हमारा रग रग में है, पूर्वजों के द्वारा है, अनंत पीढ़ियों से हमारे हर परिवार। अब पैसे वाले हम हो गए तो सनातन से ऊपर थोड़ी हो गए। पहले हमको रोटी बाजरे की खाने को थी, तब भी हम सनातनी थे। तो उसको अगर हम याद रखते हैं तो हम सनातनी कहने के अधिकारी हैं। हम तिलक लगाने में शर्म महसूस नहीं करते हैं, शिखा रखने में शर्म महसूस नहीं करते हैं, और चोटी इत्यादि जो हमारे, अब देखिए मोमडन है, छोटा सा बच्चा है, वो जो टोपी भी लगाए है, उसको कोई शर्म नहीं। क्यों? उसको कट्टरता दिखानी है अपनी, उसको अपनी संस्कृति की पहचान करानी है, लोगों में भय व्याप्त करना है। और हमको अपने ठाकुर जी को रिझाना है तो तिलक नहीं लगा पा रहे हैं हम, संध्या वंदन, ये तो बहुत अलग की बात है। पहले हम सामान्यतः अगर सब हिंदू जितने हैं हमारे और जितने सनातनी हैं तिलक लगाना ही शुरू कर दें तो सामने वाले के वैसे ही जो है आधे अरमान ठंडे हो जाएंगे। तो ये हमको अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति थोड़ी कट्टरता होनी भी चाहिए, थोड़ा ऐसा भाव और प्रभाव होना चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत ही नहीं पड़े। जब 40 लोगों में हम 6 लोग अगर तिलकधारी दिखेंगे तो वैसे भी उनके मंतव्य हल्के हो जाएंगे, और एक ही व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा और हम खुद हंस के निकलेंगे, अरे यार तिलक लगा के क्या। तो हमारी तो ब्रज की संस्कृति भी ऐसी है, पूरे ब्रज में जब तक ठाकुर जी का तिलक, किसी भी संप्रदाय से लीजिए, कैसे भी लीजिए, मत लीजिए, ब्रजरज गोपी चंदन लगाइए, कोई ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो हम सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए अध्यात्म की ओर निश्चित जाएं और अध्यात्म मीडिया का भी साथ लें, ये हम कामना करते हैं, सभी इच्छा करते हैं, और इसका सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में, और इसको आगे बढ़ाएं, ये सभी से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है। जय श्री राधे। राधे राधे। आप सभी विद्वत बरेण्य अग्रगण्य को कोट कोट प्रणाम। और आज परम ही धन्य शरीर है जो कि आप लोगों के मध्यामध्य सुशोभित है और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अध्यात्म मीडिया चैनल के माध्यम से हम पूरे विश्व के सनातनी लोगों को अपने बंधु बांधवों के मध्य में रहते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सनातन के मापदंडों पर अपने आप को चलें, आचरण में जो भी आचरित किए हुए बात हैं, जो भी व्यवहार हैं, वो सब उतारें और अपने आप को सनातनी और परम मंगल ही मंगल होने वाले कार्यों के लिए इस जीवन का सदुपयोग करें, और मनुष्य में मनुष्यता का प्रादुर्भाव हो और सभी मनुष्य अपना अहिंसा परमो धर्म के साथ ही, धर्म हिंसा तथैव च धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित, को चरितार्थ करें। और हम ज़्यादा क्या कहें, आने वाले समय में अध्यात्म मीडिया पूरे विश्व में
अपना डंका बजाएगा और सभी लोग इसके माध्यम से अपने जीवन में लाभान्वित होंगे और ब्रज का पूरा जितना भी हमारा धर्म के स्तंभ हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, देवालय हैं, गांव हैं, जहां भी हमारे प्रिया प्रीतम का लीला हुआ है, वह सब सबके सामने प्रस्तुत होगा और सभी लोग इससे जीवन में लाभान्वित होंगे। राधे राधे। और इसके लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री कन्हैया पांडे जी को कोटि कोटि प्रणाम और साधुवाद। हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी लोगों को।